नंबर ऑफ सर्विस काफी इम्पोर्टेंट होने चाहिए और सेल्स में से आपका शेयर एटलीस्ट 20% आना चाहिए, यानी जितने भी सेलर हो हर सेलर के समय एटलीस्ट 20 मिनट की सेल तो आ रही हो, जितनी ज्यादा आ जाए उतनी अच्छी बात है। टोटल सेलर्स में से दो तरह चाहिए, उनका जो वेट है वो 2 kg या उससे कम होना चाहिए, 2 kg से जितना कम वेट है उतनी अच्छी बात है, जितना कम वेट होगा उतनी अच्छी बात है। अच्छा, यूई की जो गलती है वो धर्म स्टैप में आपको मिनिमम 7000 धर्म की सेल होनी चाहिए और जो प्रोडक्ट आप अपने लिए चूज करते हैं रीसेल करने के लिए उसकी सेल प्राइस मार्केट में एटलीस्ट 50 धर्म से ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम इससे कम कोई बात आ जाती है प्रॉफिट नहीं होता फिर सच। अच्छा, नंबर ऑफ वेरिएशन यहाँ पे भी अप टू 4 हमारे पास एक शब्द है, यानी 4 से ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिलहाल आपको मुझे चैट पे सिर्फ इतना बता दीजिए अच्छा देखिए, जो भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स के लिए क्राइटेरिया अपना डिस्कस किया है हम बेसिकली यूज कर रहे होते हैं 2 डिफरेंट टूल्स पे, एक है हीलियम दूसरा है कीपा। मैं आपको दोनों बताऊंगा लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कीपा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कीपा ज्यादा रिलायबल है और इस डेटा को किस तरह से इन टूल्स में यूज करना है इस पे हम आज बात करना है। इन्हें सबसे पहले आपके पास होना चाहिए ट्रेड हीलियम, ठीक है। हीलियम आप कहां से ले सकते हैं, टेक्सपेरी से, नीड्रोस के सर्विस प्रोवाइडर है, नीड्रोस.org/services से आपको उनका इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स में मिल जाएगा। अच्छा, जब आप हीलियम को लॉगिन करेंगे ना तो हीलियम का नॉर्मल डैशबोर्ड इस तरह से आपके सामने होगा, आपने यहाँ पे डैशबोर्ड के बराबर पे लिखा नजर आएगा आपको टूल्स, आपने टूल्स का हटाना है और यहाँ पे लिखा नजर आएगा आपको ब्लैक बॉक्स। आपने सिंपली आप प्रोडक्ट रिसर्च के टूल में ब्लैक बॉक्स को जो है सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना, ये डेटा लोड हो जाएगा। अच्छा, जब आप डैशबोर्ड को इस तरह करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा। सबसे पहले सिंपल पे होगा ना, आपने यहाँ पे एडवांस वेबसाइट लिखा हुआ एडवांस, इसको क्लिक कर देना। अभी आपसे पूछ रहे थे आपने क्राइटेरिया या प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में आप सर्च करना चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स सबसे बड़ी मार्केट है तो हम यूनाइटेड स्टेट्स में चूज कर लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे से पूछेगा कि आपने अपने लिए जो भी प्रोडक्ट फाइनलाइज करना है वो किस कैटेगरी में आना चाहिए। अब यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के आपके सामने नाम आ रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टॉयज एंड गेम्स को चूज कर देता हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, गेटेड या अनगेटेड, होलसेल में ऐसा इशू नहीं है इस बात का। अच्छा, नंबर ऑफ सेलर्स मिनिमम कितने होने चाहिए, मैंने कह दिया आपको 4। सेलिंग प्राइस भी कह रहा मिनिमम कितने होने चाहिए, मैंने कहा 20। एज पर जो हमारा क्राइटेरिया सिंपल वही वही डेटा मैं आपको सेलेक्ट कर रहा हूँ। रिव्यूज उन्होंने पूछा मिनिमम कितना होने चाहिए, मैंने कहा 50 होने चाहिए, मैक्सिमम में मैं कोई डेटा एंटर नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, रिव्यूज की रेटिंग पूछ रहे हैं कितने स्टार, मैंने कहा मिनिमम 4 स्टार होनी चाहिए, ज्यादा तो अगर जितनी हो जाए उतनी अच्छी बात है। तो ये पूछा है BSR आपके प्रोडक्ट का कितना होना चाहिए, मैंने कहा 1 से लेकर 50 तक। अच्छा, अब ये पूछ रहा है प्रोडक्ट का शिपिंग का साइज बताएं, मैंने कहा लार्ज स्टैंडर्ड और स्मॉल स्टैंडर्ड, तो साइज आइटम में हम यही कहते हैं स्टैंडर्ड लार्ज स्मॉल और स्टैंडर्ड साइज इज फाइन, हमने हमेशा स्टैंडर्ड साइज ले लेना है। अच्छा, मुझे फिर मैं ये पूछ रहा है FBA करना चाहते हैं, तो मैंने कहा FBA और FBM तो Amazon नाउ का क्या मैं पूछ रहा नजर आए वो प्रोडक्ट नजर आए जिसमें FBA और FBM सेलर्स हो पर Amazon की प्रेजेंस ना हो तो अच्छी बात है। अच्छा, मैक्सिमम वेरिएशन पूछ रहा है, मैंने कहा मैक्सिमम 4 आवर। अच्छा, वेट पूछ रहा है, अच्छा इसका पाउंड में पूछ रहा है, LB की पाउंड में होता है फिर 2 kg अराउंड 5 pound आपका बन जाता है, तो मैंने उसको 2 kg को पाउंड में कन्वर्ट करके आप लिख दिया मैक्सिमम 5 pound। ये मैंने क्राइटेरिया एंटर करा और रेवेन्यू में भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम 4000 या 5000 और सीरीज मंथली कितनी होनी चाहिए टोटल, मैंने कहा मिनिमम 300 और मैक्सिमम कितनी मर्जी। सिंपली ये क्राइटेरिया सिर्फ आपने पुट करना है और यहाँ पे बॉटम राइट साइड पे आपको नजर आएगा सर्च का बटन, आपने सिंपली यहाँ पे सर्च का बटन क्लिक कर देना।
अब आपके पास हमारे क्राइटेरिया के लिहाज से यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स का डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी हम चूंकि प्रोडक्ट के एनालिसिस नहीं कर रहे, आज हमारा टारगेट थोड़ा सा डिफरेंट है, आज हमने डेटाबेस बनानी है। अच्छा, हमने क्या डेटाबेस बनानी है ये मैं आपको बता दूं। आज हमें डेटाबेस ये बनानी है कि फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट्स को है जो हमारे क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो हमें फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि हम इसके ब्रांड ट्रेस करते हैं कि अगर मुझे इनमें से कोई प्रोडक्ट खरीदना हो तो इसका डिस्ट्रीब्यूटर कैसे फाइंड किया जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूटर इसका ब्रांड कैसे मिलता है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा का बटन है, इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखा नजर आएगा एस एक्सेल फाइल। आपने एक्सेल फाइल के तौर पर इस फाइल को डाउनलोड कर लेना, इससे ज्यादा आपने कुछ भी नहीं करना। फिलहाल आपके पास इस तरह से कुछ डेटा डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, ये एक्सेल फाइल है, इस एक्सेल फाइल का क्या करना है वो मैं आपको भी ग्रेजुअली बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ हमने क्राइटेरिया एंटर करा है, उसकी बेसिस पे ये प्रोडक्ट्स आ गए हैं। हम एटलीस्ट इतना ताजा लगा सकते हैं कि हमने क्राइटेरिया सेट करा है, तो ऑब्वियसली ये हमारे क्राइटेरिया से रिलेवेंट प्रोडक्ट भी हमारे पास आ रहे होंगे, जितना तो उसमें हमें ट्रस्ट करना होता है। अच्छा, अब सेम यही आपने बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करना है तो कीपर के रिजल्ट ज्यादा अच्छा और ज्यादा एक्यूरेट आते हैं। अच्छा, कीपर किस तरह आपने ऑन करना है, ये आपका कीपर का मेन डैशबोर्ड है। आपने सिंपली यहाँ पे डेटा में आ जाना है और डेटा में आपको नजर आएगा प्रोडक्ट फाइंडर, आपने यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट फाइंडर को क्लिक कर देना। अच्छा, अब आप जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक मिनट इसमें कोई ले जाएगा, मैं दोबारा इसको ओपन कर देता हूँ। आपने से कुछ
हमें चाहिए कि वो हमारे पास वो प्रोडक्ट आ रहे हो जो कि हमारे जैसे दूसरे एफबीए या एफबीएम सेलर बेच रहे हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली थर्ड पार्टी को चूज किया। अच्छा, इसके बाद हम क्योंकि सिर्फ फिजिकल आइटम जिन्हें हम छू सकते हैं, हम इस तरह के आइटम सिर्फ बेचना चाहते हैं, तो यहाँ से मैंने डिजिटल प्रोडक्ट्स को भी अनचेक कर दिया। और एज अ न्यू सेलर बेहतर है वेरिएशन से बचे, तो जब हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है नो वेरिएशन का, तो हम यहाँ पे चूज कर देते नो वेरिएशन। अब हमारे पास 680 प्रोडक्ट्स रह गए हैं। अच्छा, मजीद मैं डेटा एंटर करता हूँ यहाँ पे कि प्रोडक्ट की रेटिंग 4 स्टार या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और प्रोडक्ट का जो रिव्यू काउंट है वो मिनिमम 50 और ज्यादा जितने मर्जी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे फिर ये अमेजोन की अवेलेबिलिटी पूछ रहा है, तो मैं अमेजोन को इन स्टॉक बैक ऑर्डर और प्री ऑर्डर से हटा दूंगा। यानी कि अमेजोन अभी एक्चुअली भी उसकी इन्वेंट्री अमेजोन के पास ना हो, यानी अमेजोन एज अ सेलर ना हो, अमेजोन ने इस इन्वेंट्री की एडवांस बुकिंग ना ले रहा हो और अमेजोन ने पास्ट में भी ना बेचा हो। क्योंकि देखिए प्री ऑर्डर वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि अमेजोन पर पहली दफा लॉन्च होने जा रहे होते हैं और अमेजोन खुद बेचना चाहता है। बैक ऑर्डर वो आइटम्स होते हैं जो अमेजोन ने पास्ट में बेचे और अमेजोन आउटकम्स अच्छा, अब आपने देखा हमारे पास काफी सारे डिफरेंट दो प्रोडक्ट्स हैं, इनका डेटा सामने हमारे शो हो रहा है। लेकिन हम आपको एक चीज नोटिस करें कि जितने भी प्रोडक्ट्स का हमारे पास डेटा शो हो रहा है, तो फिलहाल हमारा क्या टारगेट है? हमारा टारगेट ये नहीं है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। आज का टारगेट है हमारा इसका सोशल गवर्नेंस को खतरा है, ठीक है। तो यही हमें इसका ब्रांड और इसका डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेस करना आना चाहिए। तो आज इन प्रोडक्ट्स को ओपन करके हम इसका एनालिसिस नहीं कर रहे, फिलहाल यहाँ पर भी वही काम हम कर रहे हैं। सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन आपने क्लिक करना और इस फाइल को सिंपली डाउनलोड कर लेना। मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन क्लिक किया है सिंपली। ये भी हमारे पास स्ट्रीट इसकी डाउनलोड कर, ये डेटा बस स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाए, तो फिर मैं आपको इस पर फर्दर जो रिलेट करता हूँ।